जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए, बोले कपिल मिश्रा। सीएम केजरीवाल पर तंज, कुछ विभाग आप भी संभालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी चरम पर है। एक तरफ आप नेता बीजेपी पर धावा बोले हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी आप पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दिल्ली भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि मनीष सिसोदिया और इंद्र जैन दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। तंज कसते हुए कहा कि जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए, कुछ विभाग आप भी संभालिए। कब तक बिना काम का मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहेंगे? सात में से दो मंत्री जेल में हैं, एक बीमार और एक के पास कोई विभाग नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और आप सरकार को ठप करके बैठे हैं। इससे पहले भी कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार, शराब से बर्बाद हुए परिवारों के माता और बहनों की हाय लगी है। मनीष सिसोदिया को मैं शुरू से कह रहा हूँ, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। इनमें से दो लोग जेल जा चुके हैं, अगला नंबर केजरीवाल का है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवार को बर्बाद किया। 26 फरवरी को करीब 8 घंटे पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी ने बताया कि सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टालमटोल भरे जवाब दिए। उनके खिलाफ सबूत होने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। सीबीआई सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, इससे पहले उनका मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।